यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में हर साल की तरह इस साल भी 11वीं शरीफ के मौके पर गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का लंगर लुटाया गया। शुक्रवार को दिग्रस मुस्लिम तेली समाज की ओर से शहर के मेमन जमात खाने में लंगर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाते खानी कुरान खानी के बाद फातिहा पढ़कर लंगर तकसीम किया गया। इस मौके पर शहर के नागरिकों ने बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर लंगर का लुत्फ उठाया। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में जहां एक तरफ समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों ने हिस्सा लिया, वहीं जरूरतमंद और बेसहारा लोगों ने भी यहां पहुंचकर स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाया। तेली समाज की ओर से न्यास का आयोजन किया जाता है और ये तेली बिरादरी की तरफ से न्यास का आयोजन किया हुआ है। यहाँ पर हजारों लोगों का खाना तकसीम किया जाता है, सबको खाना खिलाया जाता है। गरीब गुरबा अमीर सभी लोग आते हैं। ये यहाँ पर 11वीं शरीफ का हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम से 11वीं शरीफ होती है, उनका ये लंगर लुटाया जाता है हमारा तेली बिरादरी की तरफ से। हमारे दिग्रस शहर में तेली बिरादरी की तरफ से गौसुल आज़म दस्तगीर शाह जिलानी का लंगर लुटाया जाता है। ये लंगर हर साल हम जितना अच्छा होता है उतना अच्छा करते हैं। हजार लोग खाना खाते हैं, उसके अंदर औरतें भी और बच्चे भी और मर्द भी सभी लोग हिस्सा लेते हैं और खुशी से हम सब करते हैं। शहर के मेमन जमात खाने में आयोजित इस लंगर कार्यक्रम में महिलाओं के लिए खाने का विशेष इंतजाम किया गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुस्लिम तेली समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। मालूम हो कि इस लंगर कार्यक्रम में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी। NBC News के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।